नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह व्हीकल दुनिया से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, इस मंथ हमारा HDB फाइनेंस का लॉट आ चुका है और ऑप्शन भी लाइव हो चुका है। तो आप लोगों ने देख ही चुके होंगे कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन HDB फाइनेंस का लाइव है, जिसमें करीबन 1000 गाड़ियाँ और उससे ज़्यादा गाड़ियाँ आई हैं, कुछ 1200-1300 गाड़ियाँ आई हुई हैं। और जो हमारे पास स्टेट्स आए हुए हैं दोस्तों, वो हमारे पास लगभग सभी स्टेट्स हैं पूरे भारत के। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास गुवाहाटी, मतलब अगर हम बात करें तो आसाम हमारे पास आया हुआ है, बिहार है हमारे पास, इसके अलावा झारखंड की गाड़ियाँ आई हुई हैं हमारे पास, उड़ीसा की गाड़ियाँ आई हुई हैं हमारे पास, और फिर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल है हमारे पास, वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा लॉट है हमारे पास, आप देख सकते हैं। नॉर्थ में हम बात करते हैं तो दिल्ली का लॉट है हमारे पास, और इसके बाद हरियाणा का हमारे पास बहुत अच्छा लॉट आया हुआ है, पंजाब का बहुत अच्छा लॉट आया है, हिमाचल की एक गाड़ी आई हुई है। तो दोस्तों, इसके साथ अगर हम बात करेंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये हमारे पास तो हमेशा आता है, आपने देखा होगा अच्छा लॉट रहता है इनका। उत्तराखंड की काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं, आंध्र प्रदेश की काफ़ी गाड़ियाँ हैं, कर्नाटका की काफ़ी गाड़ियाँ हैं, साउथ में केरला की, तमिलनाडु की, तेलंगाना की, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मतलब आप बात करें तो पैन इंडिया हमारे पास आया हुआ है। और वर्टिकल की हम बात करते हैं तो टू व्हीलर का बहुत अच्छा स्टॉक है, आप टू व्हीलर हमारे यहाँ से ले सकते हैं, आप पर्सनल यूज़ करना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा फोर व्हीलर का भी हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक आया हुआ है, और कमर्शियल व्हीकल्स में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आता है। जैसे कमर्शियल व्हीकल में छोटे कमर्शियल व्हीकल भी आते हैं, बड़े कमर्शियल व्हीकल्स भी आते हैं, और मशीन्स भी आई हुई है। मशीन्स में हम बात करते हैं तो JCB मशीन, हमारी जो बैकहो लोडर बोलते हैं हम उसको, वो हमारे पास आए हुई है स्टॉक में, और चेन माउंटेन मशीन्स, जैसे टाटा की जो आती है 200-210 आती है, तो ये मशीन्स एक्सीवेटर जिसमें चेन माउंटेन होता है, वो मशीनें आई हुई हैं हमारे पास ऑप्शन में। और इसके अलावा अगर हम फार्म में बात करते हैं तो हमारे पास ट्रैक्टर आए हुए हैं काफ़ी, तो हमारे जो भाई हैं, किसान भाई हैं, ट्रैक्टर वो हमसे परचेज कर सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक आया हुआ है ये ऑप्शन में, आप इस ऑप्शन का फ़ायदा उठाइए, गाड़ी परचेज करिए हमारे साथ में। तो दोस्तों, गाड़ियों से संबंधित कोई भी जानकारी आपको हमारी टीम पूरी देगी, आप हमसे जानकारी लीजिए और गाड़ियों पे बोली लगाइए। तो दोस्तों, जो हमारे पास इतना बड़ा स्टॉक आया है, वो स्टॉक आपके बहुत काम का है, आप जो भी गाड़ी परचेज करना चाहते हैं वो गाड़ी आप उसमें से ले सकते हैं, क्योंकि 1200 गाड़ियाँ पूरे हिंदुस्तान में इस ऑप्शन में मिल रही हैं आपको। और ऑप्शन से गाड़ी परचेज करने का मतलब कि मार्केट रेट से आप गाड़ी बहुत ही कम रेट में ले रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप लोग इस प्रॉब्लम को फेस करिए कि गाड़ी हम ऑप्शन से कैसे खरीदेंगे। फर्स्ट टाइम है अगर आपका, तो आप समझिए कि आपको ऑप्शन से गाड़ी खरीदना कैसे है। आपको व्हीकल दुनिया का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जाके गाड़ी, आपके स्टेट की जो भी गाड़ी है, जो भी गाड़ी आप परचेज करना चाहते हैं, उसमें आपको बोली लगानी है। बोली फिर चाहे आप कितने भी अमाउंट की लगा सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है आपको कि आपको अगर कोई भी गाड़ी परचेज करनी है और आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ से, हमारी तरफ से कोई कॉल आपके पास आए और आपको जानकारी मिले, तो आप उस व्हीकल में या जो भी व्हीकल आप परचेज करना चाह रहे हैं उस व्हीकल में बोली लगाइए। बोली कितने की भी हो सकती है, बोली के रेट से कोई मतलब नहीं है कि आप कितना रेट डाल रहे हैं। अगर आप रेट डालते हैं तो आपका पूरा डिटेल हमारे कंपनी में आ जाता है, और फिर हमारी टीम आपके पास कॉल बैक करती है। तो फिर जब हमारी टीम आपको कॉल बैक करती है तो आपको रेट से संबंधित पूरी जानकारी देती है, पूरा डिटेल बताती है, गाड़ी का जो यार्ड का पार्किंग का किराया है, गाड़ी कितने दिन से यार्ड में है, हम आपको पूरी डिटेल देते हैं, फिर आप हमसे पूरी डिटेल पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक ये है कि आपको बोली लगाना, और बोली कैसे लगाते हैं, बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले ऑप्शन में जाना है, जो हमारे एप्लीकेशन में ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन में जाकर आप अपना राज्य, अपना स्टेट सर्च करिए। आप जैसे दिल्ली से हैं तो DELHI दिल्ली की पूरी स्पेलिंग डालिए, तो दिल्ली से संबंधित जितने भी ऑप्शन चल रहे होंगे वो आपको सामने दिखेंगे, जैसे कि फोर व्हीलर, टू व्हीलर, और इसके अलावा ट्रैक्टर, मशीन, मतलब CE लिखा रहता है उसमें, तो ये दिखेगा। सपोज़ आपने क्लिक किया
किसी भी ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन में आके फिर आपको सबमिट अ बिड में क्लिक करके, फिर आपको सबमिट अ बिड में क्लिक करते तो आपको फिर उसमें ऑप्शन आ जाता है बोली लगाने का। अपना बोली लगाने का मतलब आपका रेट डालने का, आप रेट डालना है आपको उसमें अपना। तो जैसे आप रेट डालते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो तुरंत आपकी जो बिड होती है वो हमारे ऑफिस में आ जाती है। फिर हमारी टीम आपको सेकेंड डे कॉल बैक करती है कि फिर आपको उससे संबंधित जानकारी देती है कि सर आपने इसमें बोली लगाई है तो ये आप इस बोली के लिए, आप इस व्हीकल के लिए आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो फिर जब आप इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर आपको हमारी टीम गाइड करती है, आपको रेट, आपका रेट हम फॉरवर्ड करते हैं और फिर वो अप्रूवल आता है। तो अप्रूवल आने के बाद फिर आप गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार अगर अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद आपको गाड़ी उठानी है, ऐसा नहीं कि आपको लेने से मना कर देना है। तो दोस्तों ये छोटी सी प्रोसेस है, आप प्रोसेस को फॉलो करिए और मैं आपको ये भी एक नंबर लास्ट में मेंशन करूँगा, उस नंबर को आप फॉलो करिए, मतलब उस पर आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कोई भी क्वेरी अगर आपकी है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा HDB के ऑप्शन के लिए जानकारी देने के लिए था, जो ऑप्शन हमारा चल रहा है। तो इसमें बोली लगाइए और गाड़ियाँ परचेज करिए और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा कुछ नए ऑप्शंस की जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।